वेलकम टू ह्यूमैनिटीज ऑनर है, प्लीज शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब। वेलकम बैक एवरीबॉडी। तो आज हम देखेंगे इंडस्ट्रीज की क्लासिफिकेशन। बुक में इंडस्ट्रीज को चार बेसिस के ऊपर क्लासिफाई किया गया है। नंबर वन, साइज, मतलब वो इंडस्ट्री छोटी सी इंडस्ट्री है या बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। सेकंड बेसिस है इनपुट, मतलब उस इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल कौन सा इस्तेमाल हो रहा है। थर्ड बेसिस है आउटपुट, मतलब इंडस्ट्री में से किस टाइप के फिनिश प्रोडक्ट्स निकल रहे हैं। फोर्थ बेसिस है ओनरशिप, मतलब कंपनी को किसने खरीद रखा है, कंपनी को कौन मैनेजमेंट कंट्रोल करता है। इस वीडियो में हम इन चारों क्लासिफिकेशंस को डिटेल में पढ़ेंगे। अब इंडस्ट्रीज को हम साइज के बेसिस में क्लासिफाई कर सकते हैं। नंबर वन, कॉटेज इंडस्ट्रीज। नंबर टू, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। नंबर थ्री, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। जिस रीजन में ये लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज लगाई गई हैं, उन्हें हम फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर वन, ट्रेडिशनल लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल रीजन, एंड नंबर टू, हाई टेक लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल रीजन। अभी इस टाइम तुम ट्रेडिशनल रीजन एंड हाई टेक रीजन ऐसे ही याद कर लो, बिकॉज एग्ज़ाम में रिकॉल करने में आसानी होगी। जैसे एक बर्गर होता है तो उसके ऊपर एक ब्रेड की स्लाइस होती है, मिडल पोर्शन में वेजिटेबल्स भरी हुई होती हैं और बॉटम में एक और ब्रेड की स्लाइस होती है। अब ऐसे ही हम इसे ईजीली याद भी कर लेंगे, ट्रेडिशनल रीजन, और हमें इसके बीच में लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल की स्टफिंग भरनी है। तो ये कैसा पढ़ा जाएगा, ट्रेडिशनल लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल रीजन। एंड सिमिलरली हम हाईटेक रीजन को भी याद कर सकते हैं, हाईटेक लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल रीजन। देखो, नोट्स जितने शॉर्ट हो सके उतने शॉर्ट बनाने चाहिए, बिकॉज आई नो कि काफ़ी सारे बच्चे तो इसी चीज़ को लेकर टेंस हो जाते कि हम ये नाम कैसे याद रखेंगे। बस तुम्हें दो ही चीज़ याद रखनी है, ट्रेडिशनल रीजन एंड हाईटेक रीजन। बाकी बीच की ये जो सैलड है, इसको तुम अपने आप क्रिएट कर सकते हो। ये जो ट्रेडिशनल रीजन एंड हाईटेक रीजन है, ये लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के ही फर्दर क्लासिफिकेशन है, जो कि तुम इस फ्लो चार्ट में देख भी सकते हो। अब हम एक एक करके इन इंडस्ट्रीज को पढ़ना चालू करते हैं। नंबर वन, कॉटेज इंडस्ट्रीज। इनको हम हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज के नाम से भी जानते हैं। सर, पर इन्हें कॉटेज इंडस्ट्रीज क्यों कहा जाता है? बचवा लोग, इन्हें कॉटेज इंडस्ट्रीज इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो भी प्रोडक्शन होती है वो सब ओनर अपने घर में ही करवाता है, और घर को इंग्लिश में हाउस या कॉटेज कहा जाता है, तो इसलिए इन इंडस्ट्रीज का नाम ही पड़ गया कॉटेज इंडस्ट्रीज। कॉटेज इंडस्ट्रीज स्मॉलेस्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं। अगर हम बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज से कंपेयर करें तो मेजॉरिटी ऑफ दी हाउसेस उन फैक्ट्रीज से स्मॉल होते हैं, और उन घरों के अंदर कुछ मैन्युफैक्चर हो रहा है, इसीलिए इन्हें कहा जाता है स्मॉलेस्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। यहाँ पर ओनर लोकल रॉ मटेरियल्स का इस्तेमाल करता है, मतलब ऐसा रॉ मटेरियल जिसके लिए उसे ज़्यादा दूर ना जाना पड़े, वो उसके घर के आसपास ही हो। ये लोग सिंपल टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। अब क्योंकि प्रोडक्शन घर के अंदर हो रही है तो फैमिली मेंबर्स मदद करवा देते हैं, और अगर फैमिली छोटी है, ओनर अपनी प्रोडक्शन नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे केसेस में वो पैसे देकर पार्ट टाइम लेबर रख लेता है। कॉटेज इंडस्ट्रीज में घर के अंदर प्रोडक्शन होती है और रोज़मर्रा में काम आने वाले प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। एवरीडे गुड्स होते हैं जिनकी हमें एवरीडे ज़रूरत पड़ती है या फिर डेली ज़रूरत पड़ती है। कॉटेज इंडस्ट्रीज में जो भी फिनिश प्रोडक्ट बनता है, या तो उसे ओनर अपने घर में इस्तेमाल कर लेता है या फिर इन प्रोडक्ट को लोकल मार्केट में ले जाकर बेच देता है। लोकल मार्केट का मतलब होता है वो मार्केट जो इंडस्ट्री के आसपास लोकेटेड है, और अगर ऊपर वाले दोनों में से कुछ नहीं किया तो जो ओनर है वो फिनिश प्रोडक्ट को बार्टर भी कर सकता है। बार्टर का मतलब होता है एक प्रोडक्ट देकर दूसरा प्रोडक्ट खरीदना विदाउट एक्सचेंज ऑफ मनी।
कॉटेज इंडस्ट्रीज को हम एक पॉट के एग्जांपल से समझते हैं। हम सब जानते हैं कि पॉट का रॉ मटेरियल मिट्टी होती है और मिट्टी लोकली अवेलेबल होती है। तो देखा, सैंड है एक लोकल रॉ मटेरियल। अब ये लोग बहुत ही ज़्यादा सिंपल टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे ये हो गई चाक। चाक वो नहीं होता जिसके ऊपर मिट्टी को रख के पॉट बनाए जाते हैं। ये बहुत ही सिंपल टूल है और इसको आसानी से कोई भी ह्यूमन बीइंग ऑपरेट कर सकता है। अब ओनर या फिर उसके फैमिली मेंबर्स या कोई पार्ट टाइम लेबर इस सैंड को चाक के ऊपर पटकेगा और फिर एक हाथ से वो चाक को घुमाएगा और दूसरे हाथ से पॉट को शेप देगा। देखो वो कैसे धीरे धीरे पॉट को शेप दे रहा है। मटका एक एवरीडे गुड होता है क्योंकि हाँ, इसके अंदर हम काफ़ी सारी चीज़ें स्टोर करके रख लेते हैं। अब पॉट हो गया एक एवरीडे गुड जिसे घर के अंदर मैन्युफैक्चर किया गया है। इस मटके को अब ओनर या तो खुद कंज्यूम करेगा, वो चाहे इसके अंदर चावल स्टोर कर ले, वो चाहे इसके अंदर अचार स्टोर कर ले, या फिर वो इसके अंदर पानी स्टोर कर ले, या फिर ये ओनर लोकल मार्केट में जाकर इस मटके को बेच देगा और नहीं तो वो इस मटके को बार्टर करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ओनर को 1 किलो चावल ख़रीदने हैं तो वो अपने ये 2 मटके दे देगा और इसके बदले में 1 किलो चावल खरीद लेगा। कैपिटल एंड ट्रांसपोर्ट इन प्रोडक्ट्स के प्राइसेस को ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं करता है। ये प्रोडक्ट जो कॉटेज इंडस्ट्रीज़ में बनते हैं वो बहुत ज़्यादा सस्ते होते हैं, और वहीं पे अगर ये प्रोडक्ट फैक्ट्रीज़ में बने होते तो इनकी प्राइस ज़्यादा हो जाती, क्योंकि वहाँ पे जो है बड़ी बड़ी मशीन्स, उनकी मेंटेनेंस करना, इलेक्ट्रिसिटी का बिल देना, लेबर्स को सैलरी देना, बहुत दूर दूर से सामान लाना, फिर उस सामान को मार्केट में ले जाना, इन सब में बहुत सारा पैसा खर्च हो जाता। तो इसीलिए जो ओनर्स होते हैं वो प्रोडक्ट के प्राइसेस को बढ़ा देते हैं। और कॉटेज इंडस्ट्रीज़ में ना तो हमारे पास कोई मशीन है, इलेक्ट्रिसिटी का इतना खर्चा आना नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं करना क्योंकि हम तो लोकल रॉ मटेरियल मंगा रहे हैं और फिनिश प्रोडक्ट को लोकल मार्केट में भेज रहे हैं। तो इसीलिए कैपिटल एंड ट्रांसपोर्ट इनके प्राइसेस को ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं करता, ये प्रोडक्ट्स हमें चीप रेट्स पे ही अवेलेबल हो जाते हैं। कॉटेज इंडस्ट्रीज़ की लो कमर्शियल सिग्निफिकेंस होती है। लो कमर्शियल का मतलब है कि जो ओनर है वो ज़्यादा मनी नहीं कमा पाता है बिकॉज उसने अपने प्रोडक्ट्स चीप रेट पर बेचे हैं। कॉटेज इंडस्ट्रीज़ के एग्जाम्पल हो जाएंगे फूड स्टफ। अब जैसे जो लोग गोलगप्पे का बिजनेस करते हैं वो पहले अपने घर पे गोलगप्पे बना लेते हैं, उसके बाद रेडी लेकर वो गली गली में गोलगप्पे बेचते हुए फिरते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मैट, मतलब पायदान, जो हमें घरों की एंट्रेंसेस पर देखने को मिल जाते हैं ताकि गेस्ट वगैरह सब अपने पाँव पूछ कर ही घर के अंदर प्रवेश करें। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कंटेनर। जैसे अभी हमने पीछे पढ़ा था पॉट्स वगैरह, अब साइज़ के बेसिस पे जो नेक्स्ट इंडस्ट्री आती है वो है स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। कॉटेज इंडस्ट्रीज़ में प्रोडक्शन घर के अंदर होती थी, बट स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग में ओनर घर के बाहर एक वर्कशॉप खरीदता है, फिर उस वर्कशॉप में वो प्रोडक्शन करता है। अब ये वर्कशॉप कोई किराए की दुकान हो सकती है, कोई छोटी सी फैक्ट्री हो सकती है, यहाँ भी लोकल रॉ मटेरियल का इस्तेमाल होता है। स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग में इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली मशीन का भी इस्तेमाल किया जाता है। इन इंडस्ट्रीज़ में सेमी स्किल्ड लेबर्स को हायर किया जाता है। ये इंडस्ट्री एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है। जब लोग इस इंडस्ट्री के अंदर काम करते हैं तो उनकी परचेजिंग पावर इंक्रीज होती है। इंडिया, चाइना, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, ये कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनके अंदर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। इस पॉपुलेशन को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए ही इन कंट्रीज़ में लेबर इंटेंसिव स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इस्टेब्लिश करी गई हैं। लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग वो होती हैं जिसमें लेबर का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, मशीन्स का कम इस्तेमाल होता है, लेबर्स का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और ये इंडस्ट्री सच्ची में एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है, क्योंकि देखो जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ और इंडस्ट्रीज़ होती हैं, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग होती हैं, वहाँ पे ज़्यादातर काम मशीनों से किया जाता है। ये जो बड़ी बड़ी मशीनें हैं ये कम से कम 100 लेबर्स का एम्प्लॉयमेंट छीनती हैं।
और अब तो सब एडवांस होता जा रहा है। हद तो तब हो जाती है जब स्कूलों में पढ़ाने के लिए रोबोटिक टीचर्स इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। मतलब अब धीरे धीरे स्कूलों में रोबोट्स टीचर पढ़ाएंगे और ह्यूमन टीचर्स टाटा बाय बाय। मैं मानता हूँ कि टेक्नोलॉजी ने हमें बहुत कुछ दिया है, बट टेक्नोलॉजी हमसे बहुत कुछ छीन भी रही है। अब हम देखते हैं कि एम्प्लॉयमेंट मिलने से परचेजिंग पावर आखिरकार बढ़ती कैसे है। सपोज करो कि एक इंसान अनएम्प्लॉयड था तो उसका बैंक बैलेंस हुआ 0 रुपीज। उसके बाद उसे एक कंपनी के अंदर एम्प्लॉयमेंट मिल जाती है और उसे हर महीने की एंड पे 10,000 रुपीज मिलते हैं। तो देखा तुमने, अब इस इंसान की परचेजिंग पावर इंक्रीज हो गई। ये हर महीने 10,000 रुपये तक का सामान खरीद सकता है। थर्ड टाइप की इंडस्ट्री होती है लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग। यहाँ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में होती है जो कि ऑब्वियसली घर के बाहर है। यहाँ बहुत डिफरेंट टाइप के रॉ मटेरियल इस्तेमाल किए जाते हैं। कई सारे रॉ मटेरियल्स तो फॉरेन कंट्रीज से भी मंगाए जाते हैं। ये इंडस्ट्री सिर्फ और सिर्फ स्पेशलाइज्ड वर्कर्स को ही हायर करती है। इन कंपनीज में एडवांस टेक्नोलॉजी वाली मशीन्स का इस्तेमाल होता है जो कि एनर्जी पे चलती हैं, तो इस इंडस्ट्री को बहुत सारी एनर्जी भी चाहिए। इन इंडस्ट्रीज़ में असेंबली लाइन मास प्रोडक्शन होता है, मतलब एक वर्कर सिर्फ एक काम करेगा और वो उस काम में एक्सपर्ट होगा। ये इंडस्ट्रीज़ अपने प्रोडक्ट को अपनी कंट्री में भी बेचती हैं, साथ ही साथ फॉरेन कंट्रीज़ में भी बेचती हैं। इसीलिए इन कंट्रीज़ को एक लार्ज मार्केट चाहिए। UK, नॉर्थ ईस्टर्न US एंड यूरोप, इन जैसी कंट्रीज़ में आज से 200 साल पहले लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंट्रोड्यूस हुई थी और फिर धीरे धीरे ये लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग पूरे वर्ल्ड में फैल गई। अब जिन कंट्रीज़ में सबसे पहले ये लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग लगी थी उन्हें हम ट्रेडिशनल रीजन्स कहते हैं। अब क्योंकि इन कंट्रीज़ में ये इंडस्ट्रीज़ बहुत पहले लग गई थी, इन्होंने बहुत ज़्यादा पैसे कमा लिए, इन कंट्रीज़ की इकनॉमी बहुत तगड़ी हो गई, इसीलिए ये कंट्रीज़ आज की डेट में डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं। और सेकंड आता है हाई टेक रीजन। जो डेवलप्ड कंट्रीज़ के रिच लोग हैं वो लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ में आके लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इस्टेब्लिश कर रहे हैं, बिकॉज उन्हें लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ में चीप लेबर मिल जाती है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन का बेसिस आता है इनपुट, मतलब इंडस्ट्रीज़ कौन सा रॉ मटेरियल इस्तेमाल कर रही है। और एक क्लासिफिकेशन होता है आउटपुट के बेसिस पे, मतलब इंडस्ट्री किस टाइप के प्रोडक्ट्स बना रही है। इनपुट के बेसिस पे फर्स्ट टाइप की इंडस्ट्री है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़, और ये तो इसके नाम से ही क्लियर है कि ये इंडस्ट्रीज़ फार्म से आए हुए वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स को एज अ रॉ मटेरियल इस्तेमाल करती है। जैसे शुगर केन से शुगर बनाना, स्पाइसेस प्रोड्यूस करना, जैसे आजकल टीवी पे एड्स भी आते हैं कि फलानी कंपनी का मसाला लाइए और अपने खाने में जादू जगाइए, सनफ्लावर ऑयल बनाना, सोयाबीन ऑयल बनाना, तिल का तेल बनाना, एप्पल जूस बनाना, गुआवा जूस बनाना, आम का अचार, नींबू का अचार, कॉटन के कपड़े, रबड़ के टायर, रबड़ के जूते, ये सारे प्रोडक्ट्स एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ में प्रोड्यूस किए जाते हैं। अब एक टर्म होती है फूड प्रोसेसिंग। हम सब जानते हैं कि ये फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स पेरिशेबल हैं, ये बहुत ज़्यादा जल्दी सड़ जाते हैं। इन्हें ख़राब होने से बचाए रखने के लिए कुछ प्रिजर्विंग टेक्निक्स इस्तेमाल करी जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, दूध के ऊपर से क्रीम निकालना और उसके बाद इस क्रीम से घी बनाया जाता है, और घी बहुत लंबे समय तक फ्रेश रहता है। नेक्स्ट है कॉन्फेक्शनरी, मतलब मिठाइयाँ बनाना। मिठाइयों के अंदर हम शुगर का इस्तेमाल करते हैं और शुगर भी किसी प्रोडक्ट की लाइफ को इंक्रीज करता है। नेक्स्ट टेक्निक है प्रोडक्ट को एयर टाइट कैन में पैक करना। नेक्स्ट टेक्निक है ड्राइंग, जैसे गर्मियों में हम छतों पे आम को सुखा देते हैं। नेक्स्ट टेक्निक है पिकलिंग, मतलब किसी भी चीज़ का अचार डालकर हम उसे लंबे टाइम तक खा सकते हैं। और लास्ट टेक्निक है फर्मेंटेशन, जो सिरके का अचार होता है वो फर्मेंटेशन से ही बनाया जाता है। अब पहले के ज़माने में जब इंडस्ट्रीज़ नहीं थी, इन टेक्निक्स को इस्तेमाल कर ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं हो पाती थी, और ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं हो पाती थी इसीलिए काफ़ी सारी लोगों की डिमांड सेटिस्फाई नहीं हो पाती थी। अब जो तुम्हारी बुक में एक बॉक्स दिया गया है उसे डिस्कस कर लेते हैं। एग्री बिजनेस, ये एक तरह की कमर्शियल फार्मिंग है। इसमें क्रॉप्स को बेचा जाता है प्रॉफिट कमाने के लिए, क्रॉप्स को लार्ज स्केल पे उगाया जाता है।
और फिर जो भी क्रॉप उगेगी उसे इंडस्ट्री के अंदर रॉ मटेरियल के तौर पे इस्तेमाल किया जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि रॉ मटेरियल को इंडस्ट्रियल स्केल पे इस्तेमाल किया जाएगा, मतलब रॉ मटेरियल को इंडस्ट्रीज में ले जाकर प्रोसेस किया जाएगा। कमर्शियल फार्मिंग की फाइनेंसिंग बड़े बड़े बिजनेसमैन करते हैं, जिनका मेन मोटिव एग्रीकल्चर के बाहर होता है अपनी इंडस्ट्रीज को ग्रो करना और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना। समझने के लिए हम टी प्लांटेशन का एग्जाम्पल लेते हैं। इन हिल्स के ऊपर टी उगा रखी है। इन टी लीव्स को तोड़ने के बाद बिजनेसमैन इन्हें एक बहुत बेहतरीन पैकिंग कर मार्केट में बेच देगा। एग्री बिजनेस फार्म्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। नंबर वन, ये मैकेनाइज्ड होते हैं, मतलब खेत को टिल करने के लिए ट्रैक्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है, इरिगेशन फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी होती हैं, पंप फैसिलिटीज़ होती हैं, बहुत बड़ी ज़मीन के ऊपर क्रॉपिंग करी जाती है। ये फार्म्स हाईली स्ट्रक्चर्ड होते हैं, मतलब इनकी फेंसिंग अच्छे से करते हैं, दो क्रॉप्स के बीच में इनफ डिस्टेंस रहता है। और तो और, इन इंडस्ट्रीज में केमिकल्स का भर भर के इस्तेमाल किया जाता है, जैसे फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स। अब इन फार्म्स को हम एग्रो फैक्ट्रीज भी बोल सकते हैं, क्योंकि जिस तरह इंडस्ट्रीज में प्रोडक्ट्स को लार्ज स्केल पर मैन्युफैक्चर किया जाता है, उसी तरह से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स इन फार्म्स पे एक लार्ज स्केल में प्रोड्यूस किए जा रहे हैं। नेक्स्ट टाइप की इंडस्ट्रीज आती हैं मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। ये इंडस्ट्रीज मिनरल्स को एज अ रॉ मटेरियल इस्तेमाल करती हैं। अब मिनरल्स भी दो तरह के होते हैं, मेटालिक मिनरल्स एंड नॉन मेटालिक मिनरल्स। और मेटालिक मिनरल्स भी दो तरह के होते हैं, फेरस एंड नॉन फेरस। फेरस मेटालिक मिनरल्स वो होते हैं जिनके अंदर आयरन कंटेंट होता है, और नॉन फेरस मेटालिक मिनरल्स में आयरन कंटेंट नहीं होता। फेरस मेटालिक मिनरल्स के एग्जांपल है आयरन एंड स्टील, और नॉन फेरस मेटालिक मिनरल्स के एग्जांपल है एल्यूमिनियम एंड कॉपर, एंड नॉन मेटालिक मिनरल्स के एग्जांपल है सीमेंट एंड पॉटरी। आयरन एंड स्टील के अंदर ऑलरेडी आयरन कंटेंट है, इसीलिए ये फेरस मेटालिक मिनरल्स हैं। अब नॉन फेरस के एग्जांपल्स तुम कैसे याद रखोगे? एसी से। एसी हम सब जानते हैं उसकी बॉडी होती है प्लास्टिक की, और प्लास्टिक में कोई भी आयरन कंटेंट नहीं होता है। तो ए से हो गया एल्यूमिनियम और सी से हो गया कॉपर। थर्ड टाइप की इंडस्ट्री है केमिकल बेस्ड इंडस्ट्री। ये इंडस्ट्री नेचुरल केमिकल मिनरल्स को एज अ रॉ मटेरियल इस्तेमाल करती है। एग्जाम्पल जैसे पेट्रोलियम को पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल किया जाता है। जब पेट्रोलियम का डिस्टिलेशन होता है तो उसमें से काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो ऐसा ही एक प्रोडक्ट होता है मिनरल ऑयल, जिसे मशीन्स के ऊपर लगाया जाता है ताकि मशीन्स स्मूदली काम करें। इन इंडस्ट्रीज में सिंथेटिक फाइबर, प्लास्टिक, फर्टिलाइजर्स एंड यस कॉस्मेटिक्स भी बनते हैं। आज सच धज के कटे जा रही से मरने जा रही सूं। तो इतो मेकअप क्यों कर रहे हो है? क्योंकि कल अखबार में म्हारो फोटो भी तो छप सी, तो इसीलिए माने इतो मेकअप कियो से। हे म्हारा राम जी, मरते मरते भी म्हारे 20 रुपये फुकेगी। नेक्स्ट टाइप की इंडस्ट्री आती है फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री। ट्री का जो ये वाला पार्ट है इसे कहा जाता है टिम्बर, और इसका इस्तेमाल किया जाता है फर्नीचर बनाने के लिए फर्नीचर इंडस्ट्री में। अब जैसे ये छोटी छोटी टहनी हो गई, वुड, ग्रास एंड बैम्बू, इन सब का इस्तेमाल किया जाता है पेपर बनाने के लिए पेपर इंडस्ट्री में। अब पेड़ के ऊपर कभी कभार एक ऐसा इंसेक्ट आकर बैठ जाता है जो थोड़ा ऑयली ऑयली सा प्रोडक्ट सिक्रीट करता है, और इस चिपचिपे से सब्सटेंस को हम कहते हैं लैक, और इस लैक को इस्तेमाल किया जाता है लैक इंडस्ट्री में। और लास्ट टाइप की इंडस्ट्री आती है एनिमल बेस्ड इंडस्ट्री। लेदर का इस्तेमाल लेदर इंडस्ट्री में किया जाता है, और वुलन का इस्तेमाल वुलन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में किया जाता है। आइवरी, जो एलिफेंट का टीथ होता है, इसका इस्तेमाल मेडिसिन बनाने में किया जाता है। जैसे तुमने गणेश जी की मूर्ति देखी होगी, तो गणेश जी का एक दांत पूरा है और एक दांत उनका आधा टूटा हुआ है, तो इसी दांत को कहते हैं आइवरी। अब नेक्स्ट हम इंडस्ट्रीज को क्लासिफाई करेंगे आउटपुट के बेसिस पे। इस बेसिस पे इंडस्ट्रीज को दो कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है, नंबर वन बेसिक इंडस्ट्रीज, नंबर टू नॉन बेसिक इंडस्ट्रीज। बेसिक इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती हैं जिनका फिनिश प्रोडक्ट दूसरी इंडस्ट्री एज अ रॉ मटेरियल इस्तेमाल करती है टू मेक अदर गुड्स। इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल था आयरन ओर। अब ये आयरन ओर से आयरन एंड स्टील बनाती है,
तो इस इंडस्ट्री का फिनिश प्रोडक्ट है आयरन एंड स्टील। अब आयरन एंड स्टील को कोई दूसरी इंडस्ट्री एज अ रॉ मटेरियल इस्तेमाल करेगी और उससे बनाएगी मशीन्स। तो इस इंडस्ट्री का फिनिश प्रोडक्ट क्या है? मशीन्स। अब इन मशीन्स को एक कपड़ा बनाने वाली कंपनी एज अ रॉ मटेरियल इस्तेमाल करेगी और उससे ये बनाएगी फिनिश प्रोडक्ट्स लाइक क्लोथ्स। तो देखा तुमने कैसे एक इंडस्ट्री का फिनिश प्रोडक्ट दूसरी इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल था। नॉन बेसिक इंडस्ट्रीज के एग्जाम्पल होते हैं ब्रेड, बिस्किट, टेलीविजन, टॉयलेट्रीज, टी, सोप। टॉयलेट्रीज के एग्जाम्पल हैं शैम्पू, साबुन, हैंड सैनिटाइजर एट्सेट्रा। ये सब प्रोडक्ट्स कंज्यूमर डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं, इसीलिए नॉन बेसिक इंडस्ट्री को हम कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री भी कहते हैं। अब हम ओनरशिप के बेसिस पे भी इंडस्ट्रीज को क्लासिफाई कर सकते हैं, जैसे पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री। ये इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट ने ही खरीद रखी हैं एंड गवर्नमेंट ही इन्हें कंट्रोल करती है। सबसे ज़्यादा पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज हमें सोशलिस्ट कंट्रीज में देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट आता है प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज। यहाँ पे इंडस्ट्रीज प्राइवेट लोगों ने खरीद रखी होती हैं और यही प्राइवेट लोग उस इंडस्ट्री को कंट्रोल करते हैं। सबसे ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज हमें कैपिटलिस्ट कंट्रीज में देखने को मिलती हैं। और थर्ड टाइप की इंडस्ट्रीज होती हैं जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज। इन्हें प्राइवेट एंड गवर्नमेंट दोनों खरीदते हैं और दोनों ही साथ मिलकर कंट्रोल करते हैं। कभी प्राइवेट प्लेयर्स के पास 60% शेयर्स होते हैं और गवर्नमेंट के पास 40%, और कभी प्राइवेट प्लेयर्स के पास 40% शेयर होते हैं और गवर्नमेंट के पास 60%। सोशलिस्ट इकोनॉमी में सब कुछ गवर्नमेंट ओन करती है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता, सब चीज़ प्राइवेट होती है। और मिक्स्ड इकोनॉमी में हमें प्राइवेट इंडस्ट्रीज भी देखने को मिलती हैं और पब्लिक इंडस्ट्रीज भी, और तो और जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज भी। चलो इस वीडियो में बस इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप रॉकिंग।